आज से 13 साल पहले एक बंदा जेम्स कैमरून नाम का एक आता है और एक ऐसी मूवी लाता है जो मूवीज़ की दुनिया में तबाही मचा देती है और बॉक्स ऑफिस पे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ती है जो किसी ने ना सोचे थे ना सोचने की ताकत रखते थे। और वो मूवी थी अवतार। और वो पहली बार वो ऐसी मूवी थी जो 3D में आए थे, वही टेक्नोलॉजी 3D में वो पहली बार लाए थे, वो थे जेम्स कैमरून। और आज वो 12-13 साल बाद यही एक मूवी लाए है जिसका नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर, उसकी आगे की जर्नी जो हम देखेंगे इस वीडियो में। जेम्स कैमरून ने ये जो मूवी बनाई है उसके अंदर जो हमने ये ट्रेलर देखा, तो उसका ट्रेलर देखते ही हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन से होगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो आउटस्टैंडिंग लेवल का है। और क्योंकि बात करें, ये बंदा हमें नहीं लगता कि ये हमारे साथ चलता है, हमारे वक्त के साथ चलता है। ये फ्यूचर में 12-13 साल हमसे बहुत ही आगे चलता है, क्योंकि इसकी जो सोच है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे है। और ये हमें ट्रेलर में देखते ही हमें पता चल जाता है कि ट्रेलर को कितना परफेक्टली बनाया गया है। 13 साल वक्त लिया इस मूवी को बनाने में, लेकिन बात इसकी ये है कि ऐसी एक मोमेंट नहीं लगी जहाँ पे मैं इसकी मिस्टेक निकाल सकूँ या मेरी नज़र हटे। लेकिन क्या बात कहे जेम्स कैमरून की, वक्त लिया भाई तूने, लेकिन काम बहुत ही अच्छा किया है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि इस बार हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाया जाएगा जो पानी के अंदर है, और जो हमें टाइटल से पता ही चल जाता है कि ये कहानी पानी के अंदर की जो एक छुपी हुई दुनिया है उसके बारे में बताया जाएगा। और ये हमें अंदर जो देखते हैं ट्रेलर के अंदर उसमें बताया जाएगा कि उसको किस तरह परफेक्टली पानी के किस तरह की दुनिया होती है जो हम सोच नहीं सकते, वो ये मूवी के अंदर प्रेजेंट हमें किया जाएगा। VFX और CGI का इतना परफेक्ट यूज़ किया गया है इस ट्रेलर मूवी के अंदर जो हमें देखते हैं पता चल जाता है, क्योंकि इंसान जो सोच नहीं सकता वो ये मूवी में हमें देखने मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के वक्त में VFX और CGI का यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली इतना परफेक्ट जो होता है CGI का लेवल, जो VFX का लेवल जो होता है, वो कहीं नहीं देखने मिलता मार्वल की मूवीज़ में और जेम्स कैमरून की मूवीज़ में हमें देखा है। लेकिन जेम्स कैमरून जो भी CGI का और VFX का जो लेवल लाते हैं वो दूसरों की मूवीज़ से कहीं बहुत ही ज़्यादा आगे और बेटर होता है। मूवी सिर्फ एक कहानी में ख़त्म नहीं हो जाएगी, इसके और 4 पार्ट आएंगे और इसके एंगल और ट्विस्ट हमें मूवी में देखने मिल ही जाएंगे। क्योंकि और लास्ट में एक ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन होगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि आगे की कहानी कहां पर जाके रुकने वाली है। अंदर बाप बेटी के रिश्ते को बताया गया है, जैक और उसकी बेटी कीरी। अब कीरी उसके अंदर एक हार्ट बीट की बात करती है जो उसे बार बार सुनाई देती है, तो ये हार्ट बीट किसकी है, ये एक सवाल खड़ा करती है। शायद ये मे बी हो सकती है पेंडोरा की जो गॉडेस है, वहाँ की जो देवी है, उसकी हो सकती है। मतलब ये मूवी देख कर ही हमें पता चलेगा कि वो किसकी हार्ट बीट है। फैमिली, इंसानों के बीच जंग और अपने ही लोगों के बीच मतभेद के बाद ये नई दुनिया को खोजना, और ये कितनी दुनिया हमें अंदर आगे की जर्नी ले जाएगी और ये एंड कहाँ पर होगी, ये देखने के लिए हमें आगे ये मूवी देखनी रहेगी। ट्रेलर में बस इतना ही था और वीडियो में भी बस इतना ही था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ट्रेलर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।